देखो बच्चों, ये जो वीडियो है वो सिक्स्थ पार्ट का ही एक सब पार्ट है और इस वीडियो को हम लोग ऐसे लिखेंगे 6.1, क्योंकि इसमें हम लोग नॉन स्टिक क्वेश्चन और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है वो देखिए जरा, कि सेल पोटेंशियल एट 298 केल्विन फॉर दी सेल। आपको एक सेल दिया हुआ है, ये रहा सेल आपके पास। इस सेल को, ये सेल का रिप्रेजेंटेशन आपको दिया गया है, सेल का रिप्रेजेंटेशन एनोड, सॉल्ट ब्रिज और ये कैथोड, ठीक है। तो यहाँ पर एनोड है जिंक इलेक्ट्रोड है, कैथोड है ये टिन, और सॉल्ट ब्रिज का इस्तेमाल हुआ है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमको दे रखा है और हमसे ई सेल पूछा गया है, ई सेल, ठीक है। तो देखिए, मैं क्वेश्चन वन सॉल्व कर रहा हूँ आपके सामने। तो दिस इज सॉल्यूशन वन, ठीक, दिस इज गिवन। तो गिवन में देखिए, सबसे पहले मैं ये जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल है, इसके द्वारा हम लोग सेल रिएक्शन पता कर लेते हैं कि एनोड पर क्या चेंज हुआ है और कैथोड पर क्या चेंज हुआ है। तो देखिए, एट एनोड जिंक इज चेंजिंग इनटू Zn प्लस टू इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जिंक का ऑक्सीडेशन दिखा रहा है यहां पर। और एट कैथोड दिस स्टेनस आयन, टिन आयन, इसको स्टेनस बोलते हैं, स्टेनस आयन विल गेन दिस टू इलेक्ट्रॉन एंड विल गेट रिड्यूस, ये बन जाएगा। अब अगर मैं इस इक्वेशन को ऐड कर लूं दोनों मैथमेटिकल इक्वेशन को, तो मुझे सेल रिएक्शन मिल जाएगी। तो मेरे पास सेल रिएक्शन आ रही है जिंक प्लस स्टेनस आयन गिव्स आउट Zn प्लस टू, और टू इलेक्ट्रॉन से टू इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा ये, प्लस टिन इन सॉलिड फॉर्म, ठीक है। तो यहां से आपको देखो क्या चीज समझ में आ रही है, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितना हुआ है इन दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है जी। तो n पता चल गया आप लोगों को, ठीक है। जैसे ही आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप लोगों को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज यहां से भी पता चल जाएगा कि इसने दो इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं और इसने दो इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितना हो गया, n बराबर 2 हो गया, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में वो कभी कभी पूछ लेता है कि राइट द सेल रिएक्शन, आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल मिलेगा और उसके बाद वो पूछ लेगा कि राइट द सेल रिएक्शन। तो हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं। अच्छा, हमारे पास जो नंस्ट इक्वेशन है उसमें ई नोट सेल हम लोग IUPAC के अकॉर्डिंग पता कर सकते हैं। ई नोट सेल बराबर होता है SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड। तो कैथोड क्या है इसमें, टिन, और टिन के लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है -0.14। SRP ऑफ एनोड कितना दे रखा है, -0.76 वोल्ट, ठीक। इसको अब ऐड कर लीजिए, -0.14 प्लस 0.76, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, तो हमको मिल जाएगा 0.62 वोल्ट। ये ई नोट सेल मिल गया। नाउ अप्लाई द नंस्ट इक्वेशन। तो देखिए, नंस्ट इक्वेशन को कैसे अप्लाई करें हम लोग, ई सेल, देखिए मैं पूरी पूरी कैलकुलेशन आप लोगों को नहीं कराऊंगा, कैलकुलेशन वाला पार्ट आपको खुद से करना है। तो ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n, और n की जगह क्या आ जाएगा, 2, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एनोड, एनोड क्या है यहाँ पे, जिंक, और जिंक की कंसंट्रेशन कितनी है 0.1, और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी है 0.001 है। मैं इसको 10^-2 लिख सकता हूँ, 10^-3, और इसको लिख सकता हूँ 10^-1। इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से ई नोट सेल आपको दे रखा है प्लस में 0.62 माइनस, अच्छा 0.059 है, मैं इसको 0.060 लिख सकता हूँ, डिवाइडेड बाई 2 है, तो ये मिल जाएगा 0.03 ऑलमोस्ट, लॉग
यह है 10 टू द पावर माइनस 1 और ये 10 टू द पावर ऊपर जाएगा तो आ जाएगा 10 की पावर प्लस 3। तो आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास फाइनल ई सेल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये आप लोग नंस्ट इक्वेशन अप्लाई करके ई सेल, सेल पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल पता कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग ये ठीक है, क्वेश्चन टू देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन टू क्या कह रहा है, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल। आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल दिया हुआ है, एनोड, सॉल्ट ब्रिज, कैथोड। ठीक है, आप लोगों को एसआरपी ऑफ एनोड दे रखा है, एसआरपी ऑफ कैथोड दे रखा है। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन टू है। तो क्वेश्चन टू में हम लोग इस रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल से सेल रिएक्शन बना लेते हैं। तो देखिए, एट एनोड, मैं थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगा ताकि पूरा क्वेश्चन अच्छे से आ जाए। एट एनोड क्या है, देखिए, क्रोमियम चेंजिंग इनटू क्रोमियम प्लस 3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और Fe प्लस 2, ये एट एनोड है, एट कैथोड Sn प्लस 2 विल टेक 2 इलेक्ट्रॉन एंड विल गेट रिड्यूस। इस तरह से मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ। देखिए, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, तो कैंसिल तो होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे नीचे। तो मेरे को देखो क्या मिलेगा, 2 क्रोमियम प्लस, यहाँ पे 3 आएगा, 3 स्टेनोसाइन, 6 इलेक्ट्रॉन से ये 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 क्रोमियम प्लस 3 और नीचे 3 Sn इन सॉलिड फॉर्म, ये आपको सेल रिएक्शन मिल गई। ठीक है जी, तो यहाँ आपको ये पता चल गया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितने आ रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज आ रहे हैं 6। ठीक है, अब ई नोट सेल निकाल लेता हूँ मैं। ई नोट सेल बराबर है एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड। तो कैथोड क्या है इसमें, कैथोड है माइनस 0.45, माइनस एनोड क्या है माइनस 0.75 क्रोमियम के लिए। ठीक है, तो ये मिल जाएगा माइनस 0.45 प्लस 0.75, कितना आ जाएगा 0.30 वोल्ट। आप लोग एक चीज़ याद रखना, ई नोट सेल की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तभी ये सेल वर्किंग है, मतलब ये रेडॉक्स रिएक्शन फीजेबल है। नेगेटिव ई नोट सेल की वैल्यू नेगेटिव नहीं बनती है। अब हम लोग नंस्ट इक्वेशन लगाएं, नंस्ट इक्वेशन। तो देखिए, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 ओवर 6 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट या कंसंट्रेशन ऑफ एनोड, एनोड की कंसंट्रेशन है 0.1, तो मैं 10 की पावर माइनस 1 लिख देता हूँ, और कैथोड की है या रिडक्शन वाली साइड में कंसंट्रेशन है 10 टू दी पावर माइनस 2। लेकिन एक चीज़ याद रखिए आप लोग, यहाँ सेल रिएक्शन में प्रोडक्ट साइड में क्रोमियम के आगे क्या कोफिशेंट लिखा हुआ है, 2, तो मैं यहाँ पे इसकी पावर 2 लगा दूंगा। यहाँ पे जो रिएक्टेंट है या जो कैथोड है उसकी कोफिशेंट क्या लिखा हुआ है, 3, तो मैं इसकी पावर 3 लगा दूंगा। जैसा लॉ ऑफ मास एक्शन में हम लोग करते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो भी कोफिशेंट होते हैं उसकी पावर लगा देते हैं, वही सेम चीज़ है। ई नोट सेल की वैल्यू है 0.30 माइनस, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 0.06 मान लो इसको, ये नीचे 6 है, तो ऑलमोस्ट कितना आ गया 0.01 लॉग, ये आ जाएगा 10 की पावर माइनस 2 और नीचे 10 की पावर माइनस 6, इसको सॉल्व कर लीजिए, 0.30 माइनस 0.01 लॉग 10 टू द पावर माइनस 2 है, ये ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 10 की पावर प्लस 6, तो ये आ जाएगा 10 की पावर 4, इसको सॉल्व कर लीजिए। ये पार्ट आप लोग खुद से करोगे, कैलकुलेशन वाला पार्ट। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। आप लोग देख लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए इनके, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए ना आप लोग। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है कि कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, हम जो नंस्ट इक्वेशन पढ़ रहे थे
तो E सेल बराबर E नॉट सेल माइनस 0.0591 ओवर N लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट या कंसंट्रेशन ऑफ एनोड और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. प्रोडक्ट की जगह एनोड लिख सकते हैं और रिएक्टेंट की जगह कैथोड लिख सकते हैं, ठीक है, हमने वहां फॉर्मूले में लिखा है. अब देखिए, आप लोगों को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे ई सेल की वैल्यू क्या बन जाती है, जीरो. तो इसका मतलब मैं सीधे सीधे ये लिख दूं, ई नॉट सेल बराबर 0.0591 ओवर एन लॉग, और ये क्या बन जाएगा, केसी. भाई इक्विलिब्रियम कंडीशन पे रेशियो ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट क्या बन जाता है, केसी बन जाता है. तो यहां मुझे निकालना है केसी की वैल्यू निकालनी है. तो देखो ई नॉट सेल कैसे निकालूंगा मैं, ई नॉट सेल के लिए मुझे यहां पर ये वैल्यू दे रखे हैं. ई नॉट सेल का मतलब है एस आर पी ऑफ कैथोड माइनस एस आर पी ऑफ एनोड, ठीक है, बराबर 0.0591 ओवर. अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितने हो रहे हैं हमको ये देखना है. देखिए प्लस थ्री इज चेंजिंग इनटू प्लस टू, मतलब यहां पर एक इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ, और प्लस टू इज चेंजिंग इनटू प्लस फोर, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ. तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर टू का मल्टीप्लाई कर दिया. तो ओवरऑल कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, ओवरऑल टू इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है. अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो इसकी आप लोग सेल रिएक्शन बना के लिख लेना, Fe प्लस थ्री चेंजिंग इंटू Fe प्लस टू एंड Sn प्लस टू चेंजिंग इंटू Sn प्लस फोर. फिर इलेक्ट्रॉन के नंबर को बराबर करने के लिए कोफिशियंट का मल्टीप्लाई होगा, और फिर इस इक्वेशन को ऐड करोगे तो आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज टू ही आएगा. ये आ गया टू और ये आ गया log Kc. SRP ऑफ कैथोड कितना दे रखा है आपको, SRP ऑफ कैथोड इज 0.15, यही है क्या ना. अब एक चीज देखिए, Fe प्लस थ्री इज चेंजिंग इनटू Fe प्लस टू, मतलब आयरन इज गेटिंग रिड्यूस्ड. तो ये आयरन वाला जो पार्ट है वो है कैथोड, तो इसका मतलब कैथोड का SRP कितना है, प्लस 0.77 प्लस 0.77 वोल्ट. माइनस एनोड का कितना है, 0.15 वोल्ट. इसको इसमें से घटा दीजिए, कितना बनेगा देखो, 0.62 वोल्ट. ये आ गया एनोड सेल बराबर. अच्छा 0.06 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया, 0.03, और दिस इज लॉग केसी. अच्छा अब एक चीज देखिए, मुझे मैं लिख सकता हूँ log Kc बराबर 0.62 अपॉन 0.03, इस तरह से. इस पॉइंट से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा लगभग 20.6 समथिंग. और Kc बराबर कितना बन जाएगा, ये Kc भाई log है तो एंटी log लेना पड़ेगा मुझे, एंटी log 10 की पावर 20.6, ठीक है. तो ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर थ्री. तो इसको मैं साफ करता हूँ और यहाँ लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर फोर करते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर फोर है मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल वर्क डन. तो वर्क डन का फॉर्मूला है अपने पास, दिस इज माइनस एन एफ ई नॉट सेल. अच्छा माइनस का सिग्निफिकेंस ये है कि वर्क डन बाय द सेल. आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है कि इफ ए सिस्टम इज डन वर्क ऑन द सराउंडिंग, या इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम देन इट कंसीडर्ड एज नेगेटिव. तो देखिए हम लोग ई नॉट सेल की वैल्यू पहले कैलकुलेट कर लेते हैं. ई नॉट सेल बराबर होता है एस आर पी ऑफ कैथोड माइनस एस आर पी ऑफ एनोड. तो कैथोड क्या है, इसमें कैथोड है टिन, और टिन के लिए एस आर पी की वैल्यू है माइनस 0.14, और जिंक के लिए एस आर पी मैंने यहाँ पे वैल्यू लिखी नहीं है क्योंकि बार बार यूज हो रही थी ये, जैसे यहाँ भी यूज हुई है. तो दिस इज माइनस 0.76 माइनस 0.76. तो इसको देख लें, माइनस 0.14 प्लस 0.76, तो ये आ जाएगी 0.62 वोल्ट. तो हमने यहाँ वैल्यू लगा देते हैं, इलेक्ट्रिकल वर्क डन बराबर माइनस एन कितना है भाई, दो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है टू. एफ कितना है, 96,500 फेराडे, मीन्स द चार्ज प्रेजेंट ऑन वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन. देखो
एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, तो वन मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना होगा 6.022 × 10⁻²³ मल्टीप्लाइड 1.6 × 10⁻¹⁹। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 96,500 कूलम इंटू ई नॉट सेल कितना है 0.62। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, वर्क डन विल कम इन जूल, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो नंस्ट इक्वेशन से रिलेटेड ये चार तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, 1, 2, 3, 4, आप इनको अच्छे से करिए। अब जो नेक्स्ट पार्ट आएगा, जो पार्ट 7 आएगा, ये तो 6.1 वीडियो है, उसी का एक सब्सिडरी पार्ट है। अब जो पार्ट 7 आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, थैंक यू।